आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ कि एलकेजी क्लास में मैथ्स में बच्चों को पूरा क्या पढ़ाया जाएगा पूरे वन ईयर में, मीन्स एलकेजी क्लास में मैथ्स में क्या क्या सिलेबस कवर होगा। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि जैसे हम देख रहे हैं कि प्ले ग्रुप में कई स्कूल्स में 1 to 10 सिर्फ पढ़ाते हैं, और बेसिकली अगर आप प्ले स्कूल्स की बात करें तो, और यूजुअली 1 to 20 सिलेबस में होता है प्ले ग्रुप में, लेकिन एलकेजी में हो जाता है मैथ्स में 1 to 100। तो देखिए किस तरीके से होता है। तो मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में अपने जो बताती रहती हूँ वर्कशीट में, उसमें मैं बताती रहती हूँ, पहली बात तो कि आप बच्चों को ये जरूर आदत डालिए टेंस वंस डालने की। अभी बच्चे समझते नहीं है टेंस वंस होता क्या है, बट उन्हें आप अगर आप यही बोलोगे ना ये वंस के नीचे लिखना है, तो ये बच्चे अच्छे से लिख लेंगे, और जब ये टेंस की बारी आएगी तो ये टेंस में 1 आ जाएगा। तो हैबिट आप शुरू से इसी तरीके से डालिए। छोटे छोटे आपने वर्कशीट्स में देखे होंगे, छोटे छोटे आप डायग्राम्स देते रहिए, फिगर्स देते रहिए, जिसमें मैचिंग होती रहे, कलरिंग होती रहे, ज्वाइन द डॉट्स होते रहे। तो इस तरीके से आप 1 to 10 बच्चों को बार बार रिपीट करवाइए। ये रिवर्स ये पिछला प्ले ग्रुप का पहले रिवाइज करवाया जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं, देन आपका काउंट एंड राइट होता है मैथ्स में, फिर आप सीधे बढ़िए 1 to 20। तो देखिए फिर वो टू टेंस वंस के फॉर्म में रहेगा तो ज्यादा रहेगा। उसी के साथ साथ आप बच्चों को छोटे छोटे ये देते रहिए, ये जो हम लोग बार बार बात करते हैं मोर लेस स्मॉल बिग इस तरीके से। तो देखिए ये मेरे बच्चों को इस तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाती है कि टेक द बिगर शेप, तो मतलब बस एक दे दिया बच्चे को, कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर होता रहे। तो ये इस तरीके से, फिर ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे देंगे टिक द बिगर शेप, ये देखिए, फिर काउंट एंड राइट आप मैच भी करवा सकते हो, फिर 21 to 30 ऐसे 10-10 लेके जब 4-5 बार प्रैक्टिस करवा देते हैं तो वो आगे बढ़ते जाते हैं। देन व्हाट कम्स आफ्टर और व्हाट कम्स बिफोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बच्चे को देखिए 1 बॉक्स बना के दिया है और इधर 2 बॉक्स बना के दिए, तो इसी तरीके से करिए जिससे कि टेंस वंस का जो मेंटेन है वो मेंटेन रहे। और ये देखिए काउंट एंड मैच, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो एक बार जब हमने 30 तक पढ़ा दिया है तो 30 तक फिर से लिखवा के देख लेंगे। तो बीच में एक्सक्यूज मी, बीच में बच्चों को आप ये देते रहिए, डायरेक्ट 1 to 30 मत दीजिए, बीच बीच में आप नंबर्स उनको देते रहिए। फिर इस तरीके से भी आप दे सकते हो काउंट एंड ड्रॉ, तो कोई फिगर दे दीजिए बच्चों को, जैसे 5 है यहाँ पे लॉलीपॉप्स या कोई भी सर्कल है, तो ये बच्चा इतना बनाएगा। फिर देखिए 1 to 30 मेरे बच्चों को लिखना था और पूरा ये बर्ड मैचिंग करनी थी। देन व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर और व्हाट कम्स बिफोर एलकेजी क्लास में बहुत ज्यादा चलता है। देन 1 to 30, फिर देखिए आ गया ना टिक द बिगर नंबर, अब 4 बिगर है कि 2 बिगर है तो टिक करना है। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं जहां तक अपने नंबर काउंटिंग्स पढ़ा दी है। फिर ज्वाइन द डॉट और कलर तो आप समझ ही रहे हैं, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर देखिए क्रॉस द बिगर वन, सिर्फ टिक 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 मत लीजिए, क्रॉस भी लीजिए साथ में जिससे कि बच्चा समझे। अब जैसे मेरे बच्चे हैं ना, वो तो सिर्फ ये देख के समझ जाते हैं, अभी उन्होंने क्या समझ लिया है, बी बी मतलब बिग, एस स्मॉलर लिखा होता है तो एस, तो वो समझ जाते हैं तो वो टिक कर देते हैं। फिर ज्वाइन द डॉट्स और मेक द सर्कल इस तरीके से, फिर व्हाट कम्स आफ्टर, तो ये देखिए इस तरीके से आप करवाएंगे। फिर जब 30 तक करा दिया है तो देखिए ये 40 तक हम आगे ले गए। अब देखिए टिक द स्मॉलर नंबर, तो हमारे बच्चे क्या है ये देखिए इस तरीके से समझ जाते हैं तो स्मॉलर में टिक कर देते हैं। फिर व्हाट कम्स आफ्टर, तो ये इस तरीके से लेके चलते हैं 1 to 40। अब देखिए फिर वही है जो सिर्फ नंबर जो रिपीट कर रहा है बार बार, आप ऐसी उनको वर्कशीट दीजिए जिसमें कोई नंबर है वो ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जैसे 12 21 इस टाइप के नंबर में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इस तरीके में आप बार बार वो नंबर रिपीट करवाइए और सर्कल करवाइए, कलर करवाइए। फिर काउंटिंग ज्यादा दीजिए, 10 12 तक तो बच्चे आराम से काउंट कर लेते हैं कोई भी फिगर, बट बड़े फिगर्स काउंटिंग में प्रॉब्लम आती है। फिर टिक द बिगर नंबर, देखिए वैसे ही है व्हाट कम्स आफ्टर, 40 तक चल रहा है। क्रॉस द स्मॉलर शेप, तो इस तरीके से दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है यहाँ पे 50 तक, पूरा 50 तक इंट्रोड्यूस करवा दिया। जब आप 50 तक इंट्रोड्यूस करवा दें उसके बाद ही आप स्पेलिंग शुरू करिए 1 2 3 इस तरीके से। तो ये देखिए, और जब 50 तक आप काउंटिंग करवा देंगे उसी के बाद आप ये शुरू करिए ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। इसका मैंने वीडियो एक बनाया है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, मैथ्स की एलिगेटर की हेल्प से बनाया है तो काफी अच्छा है, वो आप देख सकते हैं। देन ज्वाइन द डॉट्स इस तरीके से। फिर देखिए जब 50 तक हमने मतलब करा दिया है, फिर उनको कैसे प्रैक्टिस करवाई गई है, 100 एच इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। तो 10 20 30 40 50, क्योंकि 50 तक जब आ जाता है तो फिर बच्चा समझ जाता है
कि अब जैसे मेरे बच्चे कैसे जानते हैं, वो 0 0 0 लगाना है, फिर यहाँ 1 2 से लेके 10 तक लिख देना है। तो इस तरीके से करते हैं, क्रॉस द स्मॉलर नंबर, पुट द स्मॉलर ग्रेटर साइन। ये देखिए काउंटिंग इन टेंस, काउंटिंग इन टेंस लिखनी होगी आगे, जैसे 10 20 30 इस तरीके से। फिल इन द ब्लैंक्स, ये देखिए 50 तक ले जानी है। व्हाट कम्स बिफोर, ग्रेटर देन और लेस देन, फाइंड द सर्कल 40। 51 2, देखिए फिर 60 इंट्रोड्यूस करवाया है, 2 की स्पेलिंग आ गई है। 50 से सब 60 बढ़ाया है, तब साथ में 2 की स्पेलिंग आ गई है। इधर 100 टेंस वंस है, तो ये पूरा राइट काउंटिंग इन टेंस से लिखेंगे। फिर देखिए सर्कल द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर, बिग, आफ्टर, बिफोर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, पूरी एलकेजी क्लास ही इसी में चली जाती है। फिर नंबर नेम देखिए, जब 1 और 2 की स्पेलिंग लर्न करवाती है तो रैंडमली आप दीजिए 1 2 1 2 इस तरीके से। फिर बैकवर्ड काउंटिंग देखिए, बैकवर्ड काउंटिंग यूजुअली कराई जाती है प्ले ग्रुप में, बट कई जगह नहीं भी कराई जाती, फिर आप बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करवा दीजिए। पहले 10 to 1 करवाइए, फिर 20 to 1, और इधर ही इधर शेप चलेगा, ओवल, कोन, कलर करना है, फिर ग्रेटर देन ये। फिर देखिए काउंट एंड स्पेल द नंबर, मतलब मीन्स 1, अभी तक काउंटिंग में लिखते थे, अब क्या नंबर नेम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ओ एन ई 1 TWO 2। फिर बिग नंबर, स्मॉल नंबर, फिर देखिए इसके बाद आ गया 3, स्मॉलर, ग्रेटर, नंबर नेम 1 2 3 इस तरीके से। देखिए 70 इंट्रोड्यूस हो गया, और 70 के साथ साथ हमारा हो गया इंट्रोड्यूस 4। बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है हमारी 10 to 1। व्हाट कम्स, अब देखिए अभी तक बिटवीन नहीं आया था, अब इसके साथ आया है व्हाट कम्स बिटवीन, बीच में कौन सा नंबर आएगा 23 और 25 के बाद में। तो ये देखिए 71 to 80, राइट द स्पेलिंग्स ऑफ, अब देखिए स्पेलिंग्स आ गया साथ साथ में, क्योंकि तब तक 70 80 तक जब तक आते हैं तब तक वहां इंग्लिश में हमारा पूरा A to Z कर्सिव खत्म हो जाता है, तो आप ये भी कर पा सकते हैं। फिर देखिए जब हमने 80 तक कर लिया है तो स्किप काउंटिंग आ गई है टूज में, स्किप काउंटिंग इन टूज, तो ये देखिए फिर उसी में आ जाता है कंप्लीट द सीरीज। तो ये सब सिलेबस होता है जो बच्चों को करवाया जाता है, और इस तरीके से इस सीक्वेंस में करवाया जाता है, स्टार्टिंग से नहीं कि भैया स्किप काउंटिंग वीडियो देके स्किप काउंटिंग स्टार्ट कर दी। स्मॉलर, ये देखिए ग्रेटर देन, ये देखिए, फिर कलर द स्टार येलो, तो स्टार आ गया है। 31 to 70, जरूरी नहीं है आप हर बार 1 to 50 लिखवाएं, 1 to 70 लिखवाएं, बीच से स्टार्ट करवाइए। देखिए जैसे 31 to 70 इस तरीके से। राइट द स्पेलिंग ऑफ कोन, स्टार, ओवल, छोटे छोटे स्पेलिंग्स, 100 टेंस वंस, काउंट इन 10। फिर व्हाट कम्स बिटवीन आ गया है, कंप्लीट द सीरीज 0 1 2 19 20 21, तो ये बच्चा अपने आप करेगा। फिर नंबर नेम आया है 5 और 6, 41 to 70, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर, नंबर नेम आया है 7 8, जब देखिए 90 तक इंट्रोड्यूस हो गया है तब 8 आया है हमारा, स्किप काउंटिंग टूज में, व्हाट कम्स बिटवीन। फिर देखिए मिसिंग नंबर पूरा 90 तक लिया है, 9 और 10, मतलब जब 90 तक लाए हैं ना तब, मींस हर एक 10 के बीच में एक स्पेलिंग होती है, ऐसे आप समझ लो, तब ये देखिए 10 लाए हैं। फिर व्हाट कम्स इन बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन, काउंटिंग इन टूज है, कुछ भी लिखना होगा 2 4 6 8 इस तरीके से। व्हाट कम्स आफ्टर, टिक द बिगर नंबर, क्रॉस द स्मॉलर नंबर, बिग नंबर को टिक करो, अभी तक एक ही चीज बोलते थे, अब दोनों बोल रहे हैं, स्मॉल नंबर को क्रॉस करो, बिग को टिक करो। काउंट एंड ड्रॉ, 16 स्टार ड्रॉ करने हैं, 91 to 100, सर्कल द नंबर 70, बार बार 70, नंबर नेम 7 8 9 10 लिखना है, काउंट इन टूज। फिर ये देखिए 51 to 100 लिखना है, व्हाट कम्स आफ्टर, ऐड, देखिए जब 100 तक करा दिया है तो ऐड इंट्रोड्यूस हो जाता है एलकेजी क्लास में, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ है, काउंटिंग के फॉर्म्स में, कोई फिंगर विंगर नहीं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, तो बच्चा 10 लिख देगा, प्लस का साइन बेसिकली इंपॉर्टेंट है, तो वो हुआ है। लेस देन, ग्रेटर देन तो हमारा चल ही रहा है। ऐड के बाद देखिए पूरा लाइन से पूछ दिया है, 10 तक पूरा नंबर नेम्स लिखिए। फिर व्हाट कम्स इन बिटवीन, तो बिटवीन लिखना है, ग्रेटर देन लेस देन का साइन, कंप्लीट द सीरीज, देखिए 10 20 30 40 50 60 75 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से आएगा। फिर बैकवर्ड काउंटिंग आ गई है 20 to 11, क्योंकि 10 to 1 बच्चे को पता ही है। फिर देखिए ऐड की प्रैक्टिस ऐसे ही आप कराते जाइए, 1 to 50, 51 to 100 पूरा लिखवाइए, बैकवर्ड काउंटिंग 10 to 1, स्किप काउंटिंग टेंस के फॉर्म है, और ये बुक इधर का नाम। तो मीन्स ये पूरा सिलेबस है जिसमें आपको बेसिकली प्लस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये लास्ट में होता है, साथ में नोटबुक में भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो बुक कॉपी में भी दिया जाता है, ये तो सिर्फ वर्कबुक है।
तो मीन्स प्लस आ गया है, स्किप काउंटिंग आ गई है टूज की और टेंस की, और बैकवर्ड काउंटिंग आ गई है। ये बैकवर्ड काउंटिंग हो सकता है 30 तक भी जाए, क्योंकि पहले वो देखा जाता है बच्चे को उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी आपने नंबर नेम्स पूरे लिखने सीख लिए हैं, तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं बता सकते हैं। थैंक यू।